हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे वाले जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उनको कवर करने वाले हैं, और साथ के साथ हर टॉपिक का जो है हम जो है एग्जांपल भी करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये पांच टॉपिक करवाने वाला हूँ। फर्स्ट जो है वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करोगे, मॉडुलस होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट की और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ की, और नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एकदम ट्रिक से स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो ये पांचों चैप्टर हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे, एकदम एक हर चैप्टर हर तो, जो पांचों टॉपिक है हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे। हर टॉपिक का जो है हम बिल्कुल कंसेप्ट जो है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम मॉडुलस की बात करें तो आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस में आइटा बी लिख लो, या जेड इज इक्वल टू लिख लो एक्स प्लस आइटा वाई। तो इस फॉर्म के अंदर अगर कोई भी नंबर होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज डिफाइंड बाय ए पॉजिटिव रियल नंबर इज गिवन बाय दिस। इस टाइप से उसको हम डिफाइंड करते हैं, वेयर ए और बी आर रियल नंबर। मतलब ये कि जेड इज इक्वल टू कुछ भी दिया हो, टू प्लस में थ्री आयोटा, तो हम क्या करेंगे, जेड का जो मॉडुलस है उसको इस टाइप से लिखेंगे, वो क्या होगा स्क्वायर रूट किसका, जो रियल पार्ट है जेड का, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर रूट कितना है, रियल पार्ट टू उसका स्क्वायर, प्लस में जेड का जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा का कोफिशियंट है वो क्या है, थ्री, थ्री का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा फोर प्लस में थ्री मतलब नाइन, तो ये आ जाएगा रूट थर्टीन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, उस जेड का मॉडुलस आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालना हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेड इज इक्वल टू फोर माइनस में थ्री आइटा ले लेता हूँ, इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या करेंगे, फोर का स्क्वायर कितना आएगा, सिक्सटीन प्लस में थ्री का स्क्वायर कितना आएगा, नाइन, तो आएगा रूट ट्वेंटी फाइव, और इसका करेंगे आंसर क्या आएगा, फाइव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जेड का जो मॉडुलस है वो मेरे पास क्या आ गया, फाइव आ गया। तो बड़ा ही सिंपल सा है मॉडुलस निकालना, और यहाँ मॉडुलस से भी रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना और याद रखना, इसमें आयटा का कोफिशियंट लेते हैं, आयटा को नहीं लेना है। कई बार स्टूडेंट जो है वो क्या कर देता है, फोर का स्क्वायर प्लस में थ्री आयटा का स्क्वायर कर देता है, ऐसा नहीं करना है। आपको इमेजिनरी पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट आपको पता है कि आयटा का जो कोफिशियंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू जैसे ए प्लस में आयटा बी नंबर है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, ए होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, आपका बी होगा, आयटा का कोफिशियंट होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या, कि जेड का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या, कि जेड का मॉडुलस या तो जीरो है इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वैसे तो ये इतनी खास प्रॉपर्टीज नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज को वैसे ही आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये थर्ड और फिफ्थ सॉरी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनका एग्जाम में यूज हो सकता है, ठीक है, इनका एग्जाम के अंदर यूज हो सकता है। क्या जेड का मॉडुलस और जेड के कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल रहेगा, ये कहता है कि जेड का मॉडुलस और जेड कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल रहेगा, और माइनस जेड का मॉडुलस भी इसी के इक्वल आएगा, और माइनस कंजुगेट का मॉडुलस भी इसी के इक्वल आएगा, और मॉडुलस किसका, जेड इंटू आयोटा का मॉडुलस। ये पांचों जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जेड का कंजुगेट करो, जेड कंजुगेट का मॉडुलस करो, चाहे जेड का करो, चाहे जेड आयोटा का करो, चाहे जेड माइनस जेड कंजुगेट का करो या माइनस जेड का करो, तीनों का जो पांचों का जो मॉडुलस है वो आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, कि जेड इंटू जेड का जो कंजुगेट होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। याद रखना, जेड इंटू में जेड का जो कंजुगेट है वो क्या होगा, जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब जेड मॉडुलस और जेड के कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल होते हैं तो इसको मैं जेड के कंजुगेट का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है। ओके, मल्टीप्लाई में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इनका अलग अलग मॉडुलस लिख सकते हैं, चाहे वो दो है, चाहे तीन है, चाहे चार है, चाहे एन नंबर्स हैं, सभी का अलग अलग मॉडुलस आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। डिवाइड में अगर है तो आप सभी का अलग अलग मॉडुलस लिख सकते हैं, बिल्कुल। जेड की पावर एन का मॉडुलस निकालना हो या मॉडुलस की पावर एन कर दो, बात एक ही है, ठीक है।
तो इन प्रॉपर्टीज़ को बाकियों को इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको पढ़ सकते हैं गाइस। लेकिन इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो आपको बता दी, थर्ड और फोर्थ। ये इम्पोर्टेंट यहाँ से मान सकते हो कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ, ये प्रॉपर्टी जनरली ज़्यादा यूज़ होती है मॉडुलस के केस के अंदर, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी प्रॉपर्टीज याद भी नहीं रहती एग्ज़ाम के अंदर, एट ए टाइम जब हमें इसका यूज़ करना हो तो याद नहीं रहती है, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टीज है ये याद हो जाती है। और एक बात बताऊँ कि अगर क्वेश्चन करने में कई बार प्रॉपर्टी याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, बिना प्रॉपर्टी भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। खुद से कोई एग्जाम्पल मान के देखो, अगर वो स्टेटमेंट आएगी तो ट्रू और फॉल्स में आएगी, तो आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले लो और उसको देख लो कि क्या वो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, बात यही है, ठीक है। ओके डन है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, एक ये दो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को भी आप देख लेना। ओके गाइज, इसमें जो मेन चीज़ थी वो थी डेफिनेशन, जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, जेड इज इक्वल टू, ये मैं कहता हूँ कि जेड का जो मॉडुलस है वो इसके इक्वल है, इसका मॉडुलस आपको बताना है। देखिए ये प्रोडक्ट में भी है, डिवाइड में भी है, प्रॉपर्टी यूज कर लें। प्रोडक्ट वालों को अलग अलग लिख सकता हूँ, मतलब मैं सभी को अलग अलग लिख सकता हूँ। वन प्लस आइटा का मॉडुलस अलग लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में टू प्लस आइटा का मॉडुलस अलग लिख सकता हूँ, डिवाइड में थ्री प्लस आइटा का मॉडुलस अलग लिख सकता हूँ। अब सभी का मॉडुलस निकाल लेते हैं। वन प्लस आइटा का मॉडुलस क्या आएगा, वन का स्क्वेयर क्या होता है, वन, प्लस में आइटा का कोफिशियंट क्या है, वन, उसका स्क्वेयर भी वन और उसका रूट, ठीक है। और मल्टीप्लाई में इसके क्या आएगा, टू का स्क्वेयर कितना होगा, फोर, प्लस में आइटा का कोफिशियंट कितना है, वन, वन का स्क्वेयर वन, ठीक है। डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर होता है, ए कितना है, नाइन, प्लस में बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मतलब आइटा का कोफिशियंट कितना है, वन, तो ऊपर आएगा रूट टू इंटू में रूट फाइव डिवाइड बाय रूट टेन। आपको पता है रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो रूट टेन डिवाइड बाय रूट टेन ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले अगर आप मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड रैशनलाइज करते, उससे बेटर है कि आप तीनों का अलग अलग मॉडुलस लिख के डायरेक्ट आंसर निकालो भाई, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे पहले क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो डिवाइड वाला उसका रैशनलाइज करेंगे, इसको मतलब ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका मॉडुलस निकालेंगे, तब भी आंसर वन ही आएगा। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, इसको डायरेक्ट अलग अलग मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि जेड वन इंटू में जेड टू दो प्रोडक्ट में है, तो आप अलग अलग मॉडुलस लिख सकते हो। तो मैंने ऊपर वालों का अलग अलग मॉडुलस लिख लिया, डिवाइड में अगर है तो तीसरे का अलग फिर से मॉडुलस लिख सकते हो भाई, डिवाइड बाय जेड थ्री का मॉडुलस लिख लिया, अलग अलग मॉडुलस लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज का यूज करके मैंने आंसर निकाल लिया। ओके तो एट ए टाइम की बात है कि आपका जो एग्जाम में बैठे हो तो आपका दिमाग कहाँ लेके जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मतलब कह सकता हूँ कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, ये कहता है कि इफ अल्फा एंड द बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद, बीटा का जो मॉडुलस है वो कितना है, वन है, याद रखना बीटा का जो मॉडुलस है वो मेरे को क्या दे रखा है, वन दे रखा है, ठीक है। देन आपको बताना है इनमें से कि इसका जो मॉडुलस है इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। देखिए मॉडुलस किसका, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय वन माइनस में अल्फा का कंजुगेट इंटू में बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय, ये वन है, वन को मैं बीटा का मॉडुलस लिख सकता हूँ गाइस, बताओ बीटा का मॉडुलस लिख सकते हैं, माइनस में अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, क्योंकि वन इज इक्वल टू बीटा का मॉडुलस। और इसका स्क्वायर अगर करूँ दोनों साइड तो भी क्या रहेगा, वन नहीं रहेगा, तो इसको मैं इसका स्क्वायर भी लिख लेता हूँ। बेनिफिट ये होगा कि अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि जेड इंटू में जेड का जो कंजुगेट होता है वो जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसका मतलब बीटा इंटू में बीटा का जो कंजुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, बीटा के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। वन है, वन को मैं वन का स्क्वायर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और वन किसके इक्वल दिया हुआ है, बीटा के इक्वल दिया हुआ, बीटा के मॉडुलस के, तो मैंने वन की जगह बीटा का मॉडुलस लिख दिया। इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ बीटा माइनस में अल्फा बीटा के मॉडुलस के स्क्वायर की जगह इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूँ, क्या बीटा इंटू में बीटा का कंजुगेट, अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा, और बीटा देखिए कॉमन है, बीटा कॉमन लेंगे और वो बाहर आएगा, और मॉडुलस है तो वन बाय बीटा का मॉडुलस बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय बीटा का कंजुगेट माइनस में अल्फा का कंजुगेट। अब प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर प्लस में है होल कंजुगेट है, प्लस में होल कंजुगेट है तो अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हैं, माइनस में अगर होल कंजुगेट है
मतलब अलग अलग कंजुगेट, इनको होल कंजुगेट लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं पूरा कंजुगेट लिख सकते हैं। वैसे ही 1 बाय बीटा का मॉडुलस ये क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय, इनका अलग अलग कंजुगेट है तो मैं इसको बीटा माइनस अल्फा का होल कंजुगेट लिख लेता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो एक चीज बताई थी कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड का मॉडुलस और उसके कंजुगेट का मॉडुलस क्या रहता है, इक्वल रहता है, रहता है। बीटा माइनस अल्फा भी क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा ना, क्योंकि अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मैंने बोला था दोनों को माइनस करो तब भी क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बात बताओ यार कि बीटा माइनस अल्फा का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस और इसके कंजुगेट का मॉडुलस दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, इक्वल रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि बीटा माइनस अल्फा का जो मॉडुलस है, पूरे का मॉडुलस है, इसका मतलब अलग अलग मॉडुलस लिखेंगे, 1 बाय बीटा का मॉडुलस तो 1 है, यहाँ रहेगा बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस डिवाइड बाय बीटा माइनस अल्फा के कंजुगेट का मॉडुलस। आपको पता है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों सेम रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या आएगा ये, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टीज है जिनको हम जो है बेसिकली यहाँ यूज कर रहे हैं, ओके। जो मैंने अभी अभी प्रॉपर्टीज आपको बताई, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया है, ओके गाइस। तो देख लीजिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है आपसे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जनरल हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस है, एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो हमेशा ग्रेटर देन एक्स का मॉडुलस माइनस में वाई का मॉडुलस होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स का मॉडुलस माइनस में वाई का जो मॉडुलस है वो लेस देन किससे होता है, एक्स माइनस वाई के मॉडुलस से होता है। बात तो एक ही है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया और इसको मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, इनक्वालिटी वैसे ही रखी है, इनक्वालिटी को चेंज नहीं किया। ये देखो एक्स यहाँ जो है ये टर्म छोटी है, देख लो छोटी है, तो यहाँ भी देखो ये टर्म क्या है, छोटी है, ठीक है, मैंने इनको इंटरचेंज कर लिया है, मतलब उल्टा कर दिया है। तो बात तो ये कि एक्स का मॉडुलस माइनस में वाई का जो मॉडुलस रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई के मॉडुलस से रहेगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूँ इस क्वेश्चन में। एक्स की जगह है मेरे पास जेड और वाई की जगह है मेरे पास जेड माइनस वन, तो इसका मतलब जेड का मॉडुलस माइनस में जेड माइनस वन का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे, जेड माइनस में जेड माइनस वन से। बिल्कुल प्रॉपर्टी यूज होगी, एक्स की जगह है मेरे पास जेड और वाई की जगह है जेड माइनस वन, लेस देन इक्वल टू एक्स की जगह है जेड माइनस में वाई की जगह है जेड माइनस वन। ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा मॉडुलस जेड माइनस में जेड प्लस में वन का मॉडुलस, जेड से जेड कैंसिल इज इक्वल टू वन का मॉडुलस और वन का मॉडुलस होता है वन। तो इसका मतलब जेड का मॉडुलस माइनस में जेड माइनस वन का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू वन रहेगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसने पूछी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 1 रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ओके गाइस। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को करना था, डन ना गाइस, हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहता है कि इफ जेड इज इक्वल टू दिस एंड आयटा इंटू में जेड का जो स्क्वायर है वो माइनस में जेड कंजुगेट जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, देन जेड का मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है, जेड का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो देखिए आयटा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ले लेता हूं मैं, क्या आएगा, जेड का कंजुगेट आएगा, जेड का कंजुगेट आएगा। दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, इसका मॉडुलस कर देते हैं, ये क्या आएगा आयटा जेड स्क्वायर का मॉडुलस इज इक्वल टू जेड कंजुगेट का मॉडुलस। देखिए आयटा का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा 1 होता है, याद रखना आयटा का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, 1। तो अलग अलग मॉडुलस लिखेंगे, आयटा का मॉडुलस हो जाएगा 1 इंटू में जेड स्क्वायर का मॉडुलस, आपको पता है कि जेड का मॉडुलस और जेड कंजुगेट का मॉडुलस दोनों इक्वल होते हैं, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ जेड कंजुगेट। अब देखिए, अब इसको मैं लिख सकता हूँ जेड कंजुगेट का होल स्क्वायर, वही प्रॉपर्टी जेड की पावर एन को मैं लिख सकता हूँ जेड के मॉडुलस की पावर एन, मैंने यूज की इज इक्वल टू जेड का मॉडुलस। अब याद रखना आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ भी जेड का मॉडुलस का स्क्वायर है, यहाँ भी एक तो एक से एक कैंसिल कर दो तो जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 आ जाए और आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर ए, ऐसा नहीं होता है। इक्वेशन के केस में हमें सोल्व करना पड़ता है, जेड का मॉडुलस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई। अब जेड का मॉडुलस कॉमन है, जेड का मॉडुलस कॉमन लिया तो यहाँ जेड का मॉडुलस माइनस वन बचेगा, 2 की प्रोडक्ट 0, इसका मतलब जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 आएगा या जेड का मॉडुलस माइनस वन इज इक्वल टू 0 आएगा,
या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो यहाँ से जेड का मॉडुलस क्या आया, वन। इसका मतलब जेड का मॉडुलस या तो जीरो होगा या क्या होगा, वन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस केस में हमें ऐसा करना पड़ता है, कई बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी के केस में क्या कर देते हैं, जेड के मॉडुलस से एक जेड का मॉडुलस कैंसिल हो गया, जो जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू आ गया वन, ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, जबकि वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ओके गाइस, तो हो जाएगा, डन है बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी डेफिनेशन आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की। गाइस इसमें मैं आपको बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, अगर आप वही सिंपल सी डेफिनेशन है और यकीन मानिए उस सिंपल सी डेफिनेशन से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट वाला कभी भी गलत नहीं होगा। सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा तीन टॉपिक है, सिंपल सा। देखिए क्या है, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें, देखिए जेड इज इक्वल टू मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस में आयटा वाई। एक्स और वाई आपको पता है ये क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। तो आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स, और इसका हम लेना है आपको मॉडुलस में। तो आर्ग्यूमेंट निकालना है, सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो होता है थीटा फाइंड आउट करना। क्या होता है गाइस, थीटा फाइंड आउट करना, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाय एक्स। दूसरा स्टेप होता है कि जेड जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये फाइंड आउट करना। और तीसरा, अगर आपको पता चल जाता है थीटा क्या है और जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके हिसाब से तीसरा जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा कि उसके हिसाब से आपका जो है आर्ग्यूमेंट आ जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को इस स्टेप से लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा होता है, और थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं गाइस, एम्पलीट्यूड भी इसके अंदर कई जगह जो है लिखा जाता है, इसको बोल देते हैं कि एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करो, तो उसका मतलब वो होता है कि आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। देखिए गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, यहाँ बड़ा ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ, और उसके हिसाब से फिर हम आगे आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा। एक टेबल बनाई हुई है, उस टेबल से आपका कभी भी आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे जेड इज इक्वल टू, मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ वन प्लस में रूट थ्री आयोटा, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। क्या निकालना है गाइज, आर्ग्यूमेंट निकालना है। ओके तो जेड इज इक्वल टू मतलब पहले कंपेयर करो, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस में आयटा वाई, एक्स की वैल्यू है वन और वाई की वैल्यू है रूट थ्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाय एक्स, तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री। अब आपको ये देखना है कि टेंजेंट जो है वो रूट थ्री कब होता है, थीटा की कौन सी वैल्यू पर टेंजेंट जो है वो रूट थ्री होता है, थीटा की कौन सी वैल्यू पर, 60 पे, पाई बाय थ्री पे, साइन 60 डिवाइड बाय कोस 60, साइन 60 रूट थ्री बाय टू होता है, कोस 60 वन बाय टू होता है और रूट थ्री आएगा। तो इसका मतलब पाई बाय थ्री, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पाई बाय थ्री आएगी। पहला काम तो हो गया भाई, पाई बाय थ्री आ गई, पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि आपको ये चेक करना है कि जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। गाइज हमारे पास फोर क्वाड्रेंट होते हैं, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस, ये आपको पता है ये भी एक्स एक्सिस होती है लेकिन ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है लेकिन ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, यही होता है, ठीक है। अब देखो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, यहाँ एक्स ये एक्स और ये वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जेड जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो जेड लाई करे तो उस केस में जो आर्ग्यूमेंट होता है जेड का वो क्या होता है गाइस, थीटा होता है। अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा होता है, और थीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, पाई बाय थ्री, तो आर्ग्यूमेंट आ गया पाई बाय थ्री। अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस केस में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है वो क्या होता है गाइस, कोई बता सकता है, पाई माइनस में थीटा, क्या होता है गाइस, पाई माइनस में थीटा, यहां क्या होता है, पाई माइनस में थीटा। और अगर वो थर्ड, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो है वो जो थीटा सॉरी आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है, थीटा माइनस में पाई,
अगर जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट होता है माइनस का थीटा। मैं आपको टेबल बता देता हूँ, देखिए ये टेबल मैंने यहाँ बनाई हुई है, ये देखिए बड़ा ही सिंपल। अगर ये टेबल आपको पता चल गई तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो जाएगा। एक मिनट यार, ये हमारा जो थोड़ा सा जो सिस्टम है वो हिल जाता है इसका। ओके काम कर गया। ओके गाइस, क्वाड्रेंट जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, जेड इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स प्लस आइटा वाई लेंगे ना, तो आप थीटा तो निकाल ही लोगे। थीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स, मॉडुलस में लेना है वाई डिवाइड बाई एक्स, ठीक है जो भी वैल्यू आई वो आप लिख लेना, जैसे पाई बाई थ्री आई थी। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि थीटा जो पाई बाई थ्री आ गया, अगर जेड जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट आपका हो जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू जैसे क्या आई थी पाई बाई थ्री, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं मैं जेड इज इक्वल टू लेता, जेड इज इक्वल टू वन माइनस में रूट थ्री आइटा लेता, तो एक्स की वैल्यू वन होती, वाई की वैल्यू होती रूट थ्री, वो भी माइनस का। अब थीटा इज इक्वल टू आता क्या, टेंजेंट इनवर्स, मॉडुलस में लेंगे तो माइनस का रूट थ्री डिवाइड बाई वन लेंगे, मॉडुलस में मैंने लिया है तो लेंगे तो पॉजिटिव ही, ठीक है, और तो ये भी क्या आएगा पाई बाय थ्री ही आएगा। लेकिन एक्स यहाँ पॉजिटिव है और वाई यहाँ नेगेटिव है, एक्स यहाँ पॉजिटिव है और वाई यहाँ नेगेटिव है, तो उस केस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है माइनस का थीटा होता है। थीटा की वैल्यू आई थी पाई बाय थ्री, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका क्या आ जाएगा गाइज, माइनस का पाई बाय थ्री, ये आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे, मतलब एक्स नेगेटिव है, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ मैं माइनस का ले लेता हूँ, माइनस का वन माइनस का रूट थ्री, मतलब प्लस का रूट थ्री, तो मॉडुलस में तो वही पाई बाय थ्री आएगा, लेकिन एक्स तो है माइनस का वन मतलब नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो उस केस में थीटा जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो पाई माइनस थीटा रहेगा, पाई माइनस पाई बाय थ्री रहेगा, मतलब टू पाई बाय थ्री आंसर आएगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट आपका रहेगा थीटा माइनस में पाई या माइनस का पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये अगर टेबल, इतनी सी टेबल है, अगर ये टेबल आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, या मैं इसको पूरे को एकदम साफ कर देता हूँ एक बार के लिए, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये टेबल आपको पता है गाइस, तो इस टेबल के इतनी सी टेबल है, छोटी सी टेबल है, ठीक है, इसको अगर आप नोट कर लोगे या इसको आप आपको ध्यान रख लोगे, तो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कभी भी आपका क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी चीज है। ठीक है, तीन ही स्टेप है, पहले में तो थीटा निकालना है, दूसरे में जेड आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, और तीसरे में पहले आपको थीटा निकालना है, निकाल लिया, उसके बाद आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, और उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको तीसरा स्टेप रहेगा, आर्ग्यूमेंट आ जाएगा आपके पास। ओके, इसका तो ये तो मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो आपको पता है जीरो से पाई बाय टू लाई करता है, ये आपका क्वाड्रेंट होता है जीरो से पाई बाय टू, इसमें पाई, ये थ्री पाई बाय टू और ये टू पाई, ठीक है, ये चीज होती है। चलो नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड एग्जाम्पल भी कर लेते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ इसका एम्पलीट्यूड आप निकालना है, एम्पलीट्यूड का मतलब आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ये वन माइनस आइटा डिवाइड बाई वन प्लस में आइटा, अभी देखो वन माइनस आइटा डिवाइड बाई वन प्लस आइटा, जिसको पता है कि मैंने जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट बताया था कि वन माइनस आइटा डिवाइड बाई वन प्लस आइटा किसके इक्वल होता है, माइनस के आइटा के इक्वल होता है। तो गाइज अगर आप लोग आप में से किसी ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपका मैंने जो है बेसिक पार्ट से स्टार्ट किया था, तो हर वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अगर आप एक भी वीडियो स्किप करते हैं तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो वन माइनस आइटा डिवाइड बाई वन प्लस आइटा किसके इक्वल होता है, माइनस आइटा के इक्वल होता है, तो ये जेड है, तो ये भी क्या रहेगा जेड, आर्ग्यूमेंट किसका निकालना है इसका, तो जेड इज इक्वल टू देखो माइनस का आइटा, इसको मैं लिख लेता हूँ जीरो माइनस में आइटा, ऐसा लिखने का बेनिफिट ये होगा कि इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी जीरो और वाई की वैल्यू आएगी माइनस का वन। अब अगर थीटा की बात करें तो टेंजेंट इनवर्स वाई मतलब माइनस वन डिवाइड बाई जीरो, देखिए मॉडल्स में लेने तो प्लस ही लेंगे आप, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन जीरो होता है इन्फाइनाइट, और टेंजेंट इन्फाइनिटी किस पे होता है भैया पाई बाय टू पे होता है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो आई पाई बाय टू, थीटा तो आ गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये देखना है कि जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जेड इज इक्वल टू देखिए एक्स क्या था पॉजिटिव आया है, वाई क्या है नेगेटिव आया है,
एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देख लीजिए टेबल देख लीजिए, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट रहेगा माइनस का थीटा, थीटा की वैल्यू आई थी पाए बाय टू, तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी माइनस का पाए बाय टू। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ इजी सा है, कोई भी क्वेश्चन आया आर्ग्यूमेंट का बड़ा ही इजी हो जाएगा अगर आपको ये टेबल पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जेड का मॉडुलस, एक जेड वन है एक जेड टू है, दोनों का मॉडुलस इक्वल है और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। देन आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, इनमें से स्टेटमेंट जो है वो कौन सी करेक्ट है। देखिए आर्ग्यूमेंट की मैं प्रॉपर्टीज आप लोगों को यहाँ पहले बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर हम आएंगे। ओके, पहले हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं एक बार के लिए। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं आपको ओके यहाँ हमने ओके 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 इस प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जो है एक बार के लिए हमने यहाँ स्किप कर दिया है। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज बता दूंगा, मेरे को ध्यान में नहीं रहा मैं इसमें ऐड करना भूल गया गाइस। तो चलो इस क्वेश्चन को हम जो है यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं प्रॉपर्टीज इसके बता दूंगा, मुझे ध्यान में नहीं रहा प्रॉपर्टीज इसकी इसमें ऐड करना। ओके, तो अभी पता चला है जैसे मैंने इसको स्लाइड को देखा है आगे जो स्लाइड बनाता है आई थिंक उसने ऐड नहीं किया है इसके अंदर प्रॉपर्टीज को, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, प्रॉपर्टीज़ नहीं ऐड हो पाई है इस वीडियो में। तो कोई बात नहीं गाइज, प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये एग्जांपल आपको वैसे ही करवा देता हूँ। ओके, तो ये कहते हैं कि मॉडुलस दोनों का जो है वो क्या है? इक्वल है, और इसमें से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू है जो है किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। देन आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। एक बात मैं बता देता हूँ गाइस, यहाँ जो है वो क्या होता है, अगर आप एग्जांपल लेके करना चाहो तो एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज होती है क्या, देखिए दोनों का मॉडुलस क्या है? इक्वल हो, दोनों का मॉडुलस इक्वल हो। जैसे जेड वन का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन क्या है, मैं मान लेता हूँ कि थीटा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू क्या आएगा? मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू क्या आएगा? माइनस का थीटा। जेड वन का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है, यहाँ थीटा लिखता हूँ, तो जेड टू का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। और इस ये किस केस में होता है गाइस, ये किस केस के अंदर होता है? ये जब एक दूसरे के कंजुगेट हो, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट और जेड का जो आर्ग्यूमेंट, अगर जेड का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो जेड के कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट जो होगा वो माइनस का थीटा होगा। समझ में आया, समझे या नहीं? देखिए जेड का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो जेड के कंजुगेट का जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस थीटा आएगा। आप चेक कर सकते हैं गाइस, आप चेक कर लेना। ठीक है, उसका उल्टा आता है, तो इसका हिसाब मतलब क्या है कि जेड वन का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो जेड टू का आर्ग्यूमेंट इसका क्या आएगा? माइनस थीटा। तो एक हिसाब से कह सकते हैं ना कि जेड वन का कंजुगेट या तो जेड टू है या जेड टू का कंजुगेट जेड वन है। दोनों का मॉडुलस देखो, दोनों केस में इक्वली होता है, जेड का कंजुगेट और जेड वन का जो मॉडल कंजुगेट, दोनों का मॉडुलस तो इक्वली रहेगा। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी ट्रू है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मॉडुलस इक्वल है और आर्ग्यूमेंट का सम जीरो है, तो याद रखना हमेशा कि जेड वन जो है, जेड वन का जो कंजुगेट है वो जेड टू के इक्वल होगा या जेड टू का कंजुगेट जेड वन के इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी है कि जेड वन और जेड टू का मॉडुलस अगर इक्वल है और दोनों के आर्ग्यूमेंट का जो सम है वो अगर जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो जेड वन का कंजुगेट है वो जेड टू के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी है इसकी आर्ग्यूमेंट की, तो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाया, नेक्स्ट वीडियो में जरूर ऐड करेंगे उसको। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए, जिस इसका एम्पलीट्यूड बताना है, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट आपको बताना है। तो सिंपल है गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता है, आपको सिंपल जनरल पता होना चाहिए कि एक्स प्लस में आइटा वाई, एक्स है मेरे पास ये और वाई है मेरे पास ये, मतलब वाई कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, एक्स इज इक्वल टू है साइन पाई बाय फाइव और वाई इज इक्वल टू वन माइनस में कोस पाई बाय फाइव। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू, मतलब आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू होता है वाई, वाई क्या है? वन माइनस में कोस पाई बाय फाइव डिवाइड बाय एक्स, मतलब साइन पाई बाय फाइव। देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं, वन माइनस में थीटा, वन माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल।
और साइन ऑफ थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin θ/2 और cos θ/2। तो 1 माइनस cos θ इज इक्वल टू, मतलब cos θ की जगह π/5 है, तो ये क्या आएगा 2 sin² π/10 आ जाएगा, और डिवाइड बाय यही प्रॉपर्टी, मतलब ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ यूज करूंगा तो 2 sin π/10 इंटू में cos π/10। 2 से 2 कैंसिल, 1 sin से 1 sin कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/10, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल तो क्या आ जाएगा π/10, तो थीटा की वैल्यू जो है वो π/10 आ जाएगी, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट आपका क्या आ जाएगा, π/10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम इस केस के अंदर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, तो आपका जो डायरेक्ट जो थीटा आता है वही आपका आर्ग्यूमेंट होता है, तो π/10 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ जो है सिंपल फॉर्मूला ही यूज किया और कुछ भी नहीं है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जेड इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 माइनस में 4 आइटा, 3 माइनस में 4 आइटा, पहले मैं प्लस का लेता हूँ गाइस, 3 प्लस में 4 आइटा, ठीक है। इसका आप निकालो मॉडुलस, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जेड इज इक्वल टू है 3 प्लस 4 आइटा, तो सबसे पहले मॉडुलस निकालो, मॉडुलस में क्या आएगा 9 प्लस में 16 इज इक्वल टू आएगा √5 25, और ये आ जाएगा 5। तो जेड का जो मॉडुलस है वो क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करो, आपको पता है कि ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में होता है, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और बी इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इतना काम आपको करना है, पहले आपको कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू, मतलब जनरल वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद आपको उसका मॉडुलस कर निकाल लेना है। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया, डायरेक्ट आपका जो है आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आपका स्क्वायर रूट आएगा। कैसे, पहले आप जेड के मॉडुलस में, जेड के मॉडुलस में पहले आप ए ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। तो ए ऐड किया मतलब जेड का मॉडुलस कितना है, 5 प्लस 5 प्लस में 3 कितना आएगा 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 4 आएगा, तो आप लिखो 4। उसके बाद आपको देखना है कि जेड का जो आइटा वाला कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो है पॉजिटिव तो यहाँ लगाओ प्लस। उसके बाद आपका करना है जेड के मॉडुलस में से ए माइनस करना है, बी का कोई काम नहीं है अभी, ए माइनस करना है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और उसको भी 2 से डिवाइड कर देना है तो कितना आएगा 1, तो इसका यहां लिखना है 1 और इसके साथ लगा देना है आयोटा, ठीक है। अब इसका भी रूट कर देना है गाइज, और इस 1 का भी रूट कर देना, आयोटा का रूट नहीं करना, इस 1 का भी रूट, 4 का रूट कितना आएगा 2 प्लस में 1 का रूट कितना आएगा 1, तो आयोटा, तो ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया आंसर आ गया। दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, देखिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई भी आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 4 माइनस में 3 आइटा का, जेड इज इक्वल टू पहले निकालते हैं मॉडुलस, तो क्या आएगा 16 प्लस 9 और ये 5 ही आएगा। अब जेड का मॉडल कंपेयर करना है, ए की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, ए से मतलब है ए मेरे पास रियल नंबर है, पहले इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 9/2 और उसका कर दो रूट। अब यहां देखो आइटा का कोफिशियंट जो है उसके साथ क्या है माइनस, तो यहां लगा दो माइनस। अब 5 में से ए जो है माइनस करना है कितना आएगा 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 और 1/2 का रूट कर देंगे 1/2 और इसके साथ लगा देंगे आइटा, तो ये आ गया स्क्वायर रूट, ये क्या आ गया आंसर आ गया, बस सिंपल है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल और करवाऊं क्या, जैसे आपका और पक्का हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू जैसे मैं ले लेता हूँ 1 प्लस में 2 आइटा, या आप सिंपल क्या ले लो 2 आइटा ले लो, 2 आइटा लेंगे तो मैं इसको 0 प्लस 2 आइटा लिखूंगा, ए की वैल्यू मेरे पास 0 आएगी, ये मतलब रियल नंबर, ठीक है, और मॉडुलस इसका आएगा मेरे पास 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, मतलब मॉडुलस आएगा 2। आपको क्या करना है जेड जी जेड ये मॉडुलस प्लस में ए करना है पहले, तो 2 प्लस में 0 कितना आएगा 2 ही आएगा, 2 प्लस में 0 डिवाइड बाय 2 करना है, उसके बाद कितना आएगा 1, तो आपको लिखने हैं 1 का रूट। उसके बाद देखना है कि प्लस का या माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। एक बार 2 में से अभी ए माइनस करना है, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का क्या कर देंगे रूट करेंगे फिर आइटा, तो ये आएगा 1 प्लस में आइटा, इसका आंसर आ गया, बस
कई बार एग्जाम में इसके आगे प्लस माइनस लिखा आता है, तो आंसर प्लस माइनस आगे लिख सकते हो आप। तो कुछ भी एग्जाम्पल ले लो यार, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, आपको जस्ट ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या अंडर रूट जेड का मॉडुलस प्लस में ए डिवाइड बाय टू। उसके बाद अगर प्लस में है मतलब एक्स प्लस में आइटा वाई है तो प्लस में है तो प्लस आएगा, अगर एक्स माइनस में आइटा वाई है तो माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट जेड का मॉडुलस माइनस में ए डिवाइड बाय टू और इसके साथ आइटा, ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है जो मैंने आपको करवाई है। इतना अगर आपको पता है तो आंसर हो जाएगा कि इजी, और स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप बिल्कुल इजी वे से फटाक, ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज हमारी अनअकैडमी के ऊपर जो है लाइव क्लासेस चल रही हैं, वहाँ जो है आप गेट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस मैथ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आपको पीडीएफ मिलेगी, प्लस करने के लिए आपको टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको क्विज क्लासेस मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। ओके वहाँ आज जो है हमारी प्लस क्लासेस में लाइव क्लासेस होती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा। आप जो है अनअकैडमी जो है प्ले स्टोर से सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है फॉलो मी ऑन अकेडमी, उस पर जाना है, मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, वहाँ से मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। और वहाँ से आप जो है गेट की क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसका आपको प्रोसेस बता दूंगा गेट की क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे को आप 8529533607 पे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, 8529533607 पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि गेट की क्लास आप कैसे ज्वाइन करें। ओके उसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।